राजकीय माध्यमिक विद्यालय मगरा पूंजला व माता का थान स्कूल छात्राओं द्वारा स्कूल समय परिवर्तन को लेकर शिक्षा विभाग और जोधपुर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन रास्ता जाम किया। इस स्कूल में आए थे बच्चों के लिए और इनके टाइम की जो अव्यवस्था थी वो वापस व्यवस्थित करवाई है। और कुछ वो पहले क्या टाइम था बच्चों का? पहले 12:30 लगवाई थी, 12:30 से 6 बजे तक था, 6:30 6:30 से 6 तो अब हुई है टाइम। अब तो 7:30 से 1 बजे थी, उसके बाद में 12:30 से 6:30 हो गई। अब वापस उसी पे हमने सबने आंदोलन किया और ये टाइम फिर वापस सहयोग हुआ 7:30 से 1 बजे तक। तो आज सारी बच्चियां बाहर बैठी है स्कूल के बाहर और स्कूल के लॉक लगा हुआ है, तो आंदोलन किया है, तो इसमें कोई प्रशासन से कोई आया यहाँ पे? बिल्कुल आए, सब आए, हमारे शिक्षा मंत्री और विकास में जो भी है इनके स्कूल के वगैरह और शिक्षा मंत्री और भी प्रशासन वगैरह आया है, उन्होंने हमें संतावना दी है और ये लिखित में भी दिया है कि भाई आपको ये टाइमिंग दिया जाएगा टाइमिंग के हिसाब से। आपका नाम? मेरा नाम ललित है सर। अच्छा, आज जो ये बच्चे यहाँ स्कूल में आंदोलन किया है इसके बारे में बताइए। सर ये है, जैसे बच्चे पहले 7 बजे का टाइम था, फिर मैडम ने 12 बजे का टाइम कर दिया और बच्चियाँ क्या है कि बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं और शाम को परेशानी आती है, कोई दूर से आती है, कोई आती है नागौरिया पेरे से, नहीं नागौरी गेट से आती है, कोई से आती है या बनार से आती है, उनको सबको परेशानी होती है। ये हमारे बच्चे के लिए, अकेले बच्चे के लिए नहीं है, सब बच्चियों के लिए है, सबको परेशानी नहीं हुई। हम उसी पे लड़ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबके लिए लड़ रहे हैं और हमारा कोई वो अलग उद्देश्य नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका नाम? कुशाल। स्कूल ये कौन सी है? बालिका गर्ल्स स्कूल, उच्च माध्यमिक मगरा पूंजला, पूंजला स्कूल। इंग्लिश मीडियम वाले सुबह टाइम इन हिंदी मीडियम वाले 12 बजे टाइम राखी, बच्चियाँ स्कूल बारे रमाइने सब मना कर दिया, स्कूल में आऊ ना बैठ की बारे स्कूल रमाइने इन बजे हूँ दोनों। आपका नाम? जानी देवी पार्षद। मैं हूँ दिव्या वैष्णव और मैंने माता के थान स्कूल से बच्चों को इकट्ठा किया है और हम समय परिवर्तन के लिए हमने बच्चों को इकट्ठा किया है और हम कलेक्टर के पास जाके आए, वहाँ से कोई बात नहीं हुई, हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया गया, देख के वापस दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। हम बच्चा लगभग एक महीने से हम इधर उधर ऑफिस में चक्कर मारते फिर रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। और एक बात मैं बता देती हूँ, अगर हमारा टाइम चेंज नहीं हुआ और कल को किसी लड़की के साथ कुछ भी हो गया तो इस सब की जिम्मेदार कलेक्टर साहब होंगे, ये मैं बता देती हूँ आपको। आप कह रहे हो एक महीने से घूम रहे हो लेकिन ये ऑर्डर तो अभी 15 तारीख को हुआ है। नहीं, हमारे तो एक तारीख से हमारा टाइम चेंज हुआ, 3 तारीख को हम शिक्षा विभाग गए थे लेकिन कोई मतलब नहीं है इनको। मैं तो ये बोल रही हूँ, सीधा सीमा मैडम से बात हुई थी हमारी, वो बोल रहे 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको फैसला सुनाती हूँ लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और आज हम कलेक्टर ऑफिस गए तो वहाँ कोई नहीं आया। तो आप माता के धान स्कूल में पढ़ते हैं या पूंजला? माता के धान स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पूंजला स्कूल के बाहर आज आंदोलन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? पूंजला हम लोगों को ये पता चला कि वहाँ से अधिकारी यहाँ पे आने वाले हैं, तो वहाँ से नहीं सुना तो यहाँ से तो सुनेंगे, इसीलिए हम वापस यहाँ पर आए। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजला का समय परिवर्तित कर दिया गया। द्वितीय पारी में छात्राओं द्वारा शिक्षण कार्य का आदेश होने से ही बहिष्कार किया गया। आज दिनांक को
सुबह सूचना मिली मुझे कि छात्राओं द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के समय पर विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। उच्च अधिकारी को सूचित किया गया, तहसीलदार साहब, पार्षद साहब और सभी अभिभावकों और एसडीएमसी के सदस्यों के समक्ष एक संयुक्त बैठक की कार्रवाई की गई, जिसमें आपसी सहमति पर विद्यालय एक ही पारी में चलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, जो और इस कार्रवाई के उचित निर्देशन हेतु सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है। आपका नाम? दीपिका भाटी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पूछा।